हेलो गाइस, स्वागत है आपका जीके बास्केट में। एंड टुडे वी विल बी कवरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड गाइस, बिफोर कमिंग द टॉपिक आई रिक्वेस्ट टू ऑल, इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द वेल आइकन फॉर गेटिंग फर्दर वीडियोस ऑफ जीके बास्केट। सो गाइस, हम लोग देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक आपको जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टॉपिक का नेम क्या है, यू कैन सी हियर एनएसजी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एंड वॉसिनर अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज या बोल सकते हैं एग्रीमेंट हैं, ठीक है, जिनका उद्देश्य क्या है, जिनका उद्देश्य कीप पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, तो इसमें इंडिया का क्या स्टेटस है, इंडिया को क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूंगा कि इस तरीके से दो व्यक्ति हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर ए को क्या प्रॉब्लम है और क्या क्वेश्चन कर रहे हैं मिस्टर बी से। देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो गया। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नीड टू कीप पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है तो इसके लिए क्या जरूरी है। तो इनका आंसर क्या हुआ मिस्टर बी का, यस हम लोग बना सकते हैं शांति और सुरक्षा, बट इसके लिए क्या है, कंट्रोल द प्रोलिफ्रेशन। गाइस, इस वर्ड का ना आगे भी यूज होगा, तो इसका मीन समझ लीजिए, प्रोलिफ्रेशन मतलब होता है प्रसार, ठीक है, और जब जहां कहीं भी इसमें नॉन प्रोलिफ्रेशन आपको दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है, अप्रसार। प्रसार अप्रसार अच्छे से समझते हो, प्रोपागेंड करना, ठीक है, किसी चीज को अधिक मात्रा में उसका प्रोडक्शन करना, तो ये क्या कहलाता है, प्रोलिफ्रेशन। एंड टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स, कह रहा है कंट्रोल हमें करना होगा किस चीज पे प्रोलिफ्रेशन होता है, किसका, टेक्नोलॉजी का, एंड एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स, और जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनके एक्सपोर्ट पर भी हमें कंट्रोल करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग को फायदा हो सकता है। तो आप देखिए आगे फिर क्या कहता है मिस्टर ए, यहाँ पर देख रहे हैं मिस्टर ए कहता है व्हाट टाइप ऑफ वेपन्स, कि मतलब किस तरीके के वेपन्स पे हम लोग कंट्रोल कर लें ताकि हम लोग को लगे कि भाई अब विश्व में शांति और सुरक्षा बनाई जा सकती है। तो यहां पर आप देख रहे हो क्या कि मिसाइल ही बोल रहा है मिस्टर बी, क्या बोल रहा है मिस्टर बी, कह रहा है मिसाइल हो, मिसाइल वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स या आर्म वेपन्स या बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स, तो इस तरीके के वेपन्स हो तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज, आज हम इन्हीं सब की बात करनी है कि इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्तर पर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ ट्रीटीज हैं या क्या कुछ ग्रुप हैं, ठीक है, जिनसे कि पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर होती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा पहला ग्रुप या पहली हमारी ट्रीटीज क्या है, तो उस चीज को समझेंगे, एमटीसीआर। अब चलते हैं एमटीसीआर पे। तो एमटीसीआर स्टैंड फॉर, ऐसा क्वेश्चन आता है, एमटीसीआर स्टैंड फॉर, तो क्या बोलोगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मतलब मिसाइल होती हैं जो उनकी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, तो इस तरीके की ये प्रणाली है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आता है, व्हाट इज इट डू, ठीक है, ये करती क्या है, तो इस चीज को यहां पे समझना है, क्या करती है, सेट गाइडलाइंस, दिशा निर्देश बनाती है, ठीक है, किस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड अनमैन व्हीकल्स लाइक ड्रोन। अनमैन क्या होता है, जहां पर मैन यूज ना हो, ठीक है, अमानवी जिसे बोलते हैं कि अमैन बोलते हैं, ठीक है, अनमैन, ठीक है। तो क्या है कि सेट्स गाइडलाइंस फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड अनमैन व्हीकल्स ड्रोन, तो इनके लिए क्या करता है, गाइडलाइन बनाता है, ठीक है। अब व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, इसे बनाया कब गया, तो हम बता सकते हैं इन 1987, किसके द्वारा, YG7 ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर हम आगे चलते हैं, हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन MTCR, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, हाउ मैनी कंट्री आर देयर इन MTCR, तो हम बोलेंगे कितने कंट्रीज MTCR में हैं, तो
तो ये आपको बताना होगा हाउ मेनी कंट्री, 35 इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया इसमें शामिल है। तो हम बोल देंगे क्या कि इंक्लूजन कर देते हैं यहाँ पर, किसका इंक्लूजन करते हैं, इंडिया का, ठीक है। आप कह रहे हैं व्हाट इज मेन मोटिव, आखिर इसका मेन मोटिव क्या है, प्रिवेंट द एक्सपोर्ट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी व्हिच शुड नॉट एक्सीड 5 kg पेलोड विद द रेंज लेसर देन 300 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसी मिसाइल्स उनके टेक्नोलॉजी, ठीक है, पर ये कंट्रोल करती है कि जे जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी वी शुड नॉट एक्सीड 500 kg पेलोड, जो 500 किलोग्राम के पेलोड से ज्यादा की ना हो। दूसरी चीज क्या कहता है, विद द रेंज लेसर देन, और 300 किलोमीटर की रेंज से कम हो, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, रेंज भी याद रखना है, पेलोड भी याद रखना है, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो गाइस हमने देखा कि मेन मोटिव क्या, एस्टेब्लिश क्या हुआ, कब हुआ और कितने कंट्रीज हैं इसमें, इसका स्टैंड फॉर क्या करता है, ये सब हमने देखा। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां पर आपको देखना होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है। कह रहा है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ है, तो पहला बताओ भाई, डिफेंस इंपोर्ट इन इंडिया। एक्चुअली क्या कि अगर हम MTCR के मेंबर बन गए हैं, एक्चुअली क्या इंडिया MTCR का मेंबर बन चुका है, तो इससे भारत को फायदे क्या है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया जब MTCR का मेंबर बन गया है तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी हम मिसाइल्स में अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, आरवासन में। फिर इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और हम अपने यहां से भी, यानी ये इंडिया है ये फॉरेन है, तो यहां से भी क्या कर सकते हैं, यहां से हम अपनी मिसाइल्स जो भी हम निर्मित करते हैं, ड्रोन हम निर्मित करते हैं, उनका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज को, क्या जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो इंडिया ने बनाई है, तो इन मिसाइल्स की मार्केट में डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अगर इंडिया इसका मेंबर हो जाता है तो सबसे पहली चीज, इंडिया का उद्देश्य क्या है, इंडिया का उद्देश्य है कि पीस एंड सिक्योरिटी, ये कंसर्न है, इसको बनाए रखना, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग MTCR की जो भी गाइडलाइंस होंगी, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इंडिया क्या करेगा, इंडिया अब मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकता है और उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इंपोर्ट भी कर सकता है। अब और क्या फायदे हैं सकते हैं भारत को अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर, तो US प्रेडेटर ड्रोन, तो इसमें आप याद रखना कि US ने जो सीरिया पे, ठीक है, यहाँ पे सीरिया में, या मैं बोलूं कि ISIS के जो ठिकाने हैं उन पर, ठीक है, या तालिबान में, ठीक है, तालिबान के चीफ को मारा था, तो किसको यूज करके मारा, ड्रोन को यूज करके मारा था। अगर इंडिया के पास इस तरीके के ड्रोन आ जाते हैं तो क्या है कि उसकी डिफेंस पावर भी मजबूत होगी, ठीक है, और साथ में उसकी इंटरनल सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे कंसर्न है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि और क्या है चौथा भाई जो लाभ है इसको, इंडियास वे टू NSG मेंबरशिप। अगर इस तरीके से इंडिया को देखो इसमें मेंबरशिप मिल गई है तो आगे का जो NSG है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें इंडिया को फायदा हो सकता है। तो इंडिया को क्या बेनिफिट्स हैं इससे, इसमें ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो डिफेंस इंपोर्ट में, डिफेंस एक्सपोर्ट में, जैसे यहां पर देख लेते हैं क्या कि इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, और जो US के मैंने ड्रोन की बात की, हम लोग ड्रोन भी ले सकते हैं, साथ में क्या कि NSG में भी हमारी जो मेंबरशिप है वो अश्योर होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर MTCR क्या था मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वासिनर अरेंजमेंट, तो इसको समझेंगे हम वासिनर अरेंजमेंट को, ठीक है, कि वासिनर अरेंजमेंट क्या है। तो यहां पर देखिएगा वासिनर अरेंजमेंट, द वासिनर अरेंजमेंट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ कन्वेंशनल आर्म एंड ड्यूअल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इज अ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम। तो यहां पर क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म, जो भी परंपरागत हथियार होते हैं मिलिट्री के पास, ठीक है, उनको रोकने, उनके निर्यात पर क्या करने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए, ठीक है, या मैं बोलूं
कि जो भी बेचना और खरीदना होता है देशों के बीच में, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ठीक है, तो यहां पर याद रखना, इसके लिए वासनर अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। अब व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, तो आपको यहां पर देख रहे हैं 12 जुलाई 1996, ठीक है। इसके बाद आता है कि वेयर इट वाज एस्टेब्लिश्ड, इसे एस्टेब्लिश कहां किया गया, तो यहां पर देख रहे हैं वासनर नीदरलैंड में, ठीक है, जिसे हॉलैंड भी बोलते हैं, डच लोग आए थे ना, यहीं से आए थे, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद आता है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इट, इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो आपको याद रखना है इसमें इंडिया को इंक्लूड करके कितने मेंबर्स है, 42 मेंबर्स है। फिर वेयर इज द सेक्रेट सेक्रेटेरिएट ऑफ इट, इसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है, तो सेक्रेटेरिएट याद रखना कहां पर है, ये वियना, कहां पर, वियना, वियना कहां की राजधानी है, कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितना भी मैं आपको यहाँ पर ट्रीटीज पढ़ा रहा हूँ या अरेंजमेंट, ठीक है, तो ध्यान रखो इन सब का उद्देश्य क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखना, ठीक है। अब पीस एंड सिक्योरिटी कैसे बनाई जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर, तो हम समझ सकते हैं कि जो भी वेपन्स होते हैं जिनसे कि मानव जाति को क्या है नुकसान हो सकता है, तो उन वेपन्स को या ऐसी टेक्नोलॉजी को या इस तरीके के आइटम्स को, ठीक है, जिससे कि ये बनाए जाते हैं वेपन्स, उन पर अगर कंट्रोल किया जाए, उनके एक्सपोर्ट पर, उनके टेक्नोलॉजी के हस्तांतरित पर, या फिर मैं बोलूंगी इस तरीके के हथियार अगर किसी मिलिट्री मिलिटेंट्स ग्रुप को लग जाते हैं हाथ, तो इससे क्या होगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब इसका एक्चुअल मोटिव क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल मोटिव को देखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मोटिव यहां पर मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल मोटिव क्या है इसका, तो देखिए जरा, इसका जो वास्तविक उद्देश्य है वो हम समझेंगे, वास्तविक उद्देश्य इसका क्या है, ठीक है, इस चीज को देखना है। द वासनर अरेंजमेंट वॉज एस्टेब्लिश टू कॉन्ट्रीब्यूट टू रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। अब रीजनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लानी है तो कैसे, ट्रांसपेरेंसी, भाई मैंने बताया था पारदर्शिता लाना, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स एंड डुअल यूज ऑफ गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। यानी डुअल यूज क्या होता है, कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उसके दो तरीके से, एक तो आप पीस के लिए कर रहे हैं, साथ में आप अपने मिलिट्री या डिफेंस पावर को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या, वो डुअल यूज। तो ऐसे डुअल यूज टेक्नोलॉजी पे लगाम लगाना, या जो कन्वेंशनल आर्म्स होते हैं आप उनका ट्रांसफर करते हो, बेचना खरीदना करते हो, तो क्या होना चाहिए, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी, या फिर अगर इंडिया किसी देश को, ठीक है, आर्म बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे देश को दे जो कि इसका गलत तरीके से यूज ना करें। यानी इस देश से, मैं बोलूँ कि पाकिस्तान को इंडिया दे दे, तो पाकिस्तान किसको दे सकता है, टेररिस्ट ग्रुप, जो भी टेररिस्ट है उनको दे सकता है। तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेंबर कंट्री उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रांसपेरेंसी लाए बेचने खरीदने में, साथ में कंट्रोल करें कि इस तरीके के हथियार किसी मिलिटेंट्स ग्रुप को हाथ न लगने पाए। तो क्या है कि डस प्रिवेंटिंग डिस्टेबलाइज एक्यूमुलेशन पार्टिसिपेटिंग स्टेट सीक थ्रू देयर नेशनल पॉलिसीज। तो यही बोल रहा है वो, क्या कि यहां पर आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है बेचने खरीदने में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी है, ठीक है, और आपको जो डुअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होती है उसको आपको रोकना है। तो ये क्या है, ये इसके एक्चुअल मोटिव है। आपसे ये नहीं, मना नहीं कर रहा कि अपना व्यापार ना करें, जो भी आपकी नेशनल पॉलिसीज है आप उसके अकॉर्डिंग अपना व्यापार करें, बट इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने एक्चुअल मोटिव देखा इसका, अब बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं कि आखिरी बात आई कहां से, तो उस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां पर। तो जरा देखो, इसके पहले एक संधि हुई थी कोकोम, क्या है कोकोम, कोकोम का फुल फॉर्म क्या है, यहां पर देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है कोकोम का फुल फॉर्म, ठीक है। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1950 में। आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, ठीक है, 1945 में फिनिश हुआ, 39 से चालू हुआ था, तो यहां पर ये आफ्टर मार्थ था, आफ्टर मार्थ था किसका, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कि 1950 में इस तरीके की संधि की गई। क्या मैं आपको बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया था,
तो कोल्ड वॉर क्या था, आप अच्छे जानते हो, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, ये कोई युद्ध नहीं था, यहां पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि वेपन्स बनाए जा सके या डिफेंस पावर को मजबूत किया जा सके, डिफेंस पावर को मजबूत स्ट्रांग किया जा सके। तो इस तरीके के कोल्ड वॉर चल रहा था। तो क्या था कि वेस्टर्न जो कंट्री थे, उन वेस्टर्न कंट्री को क्या था, उनको रोकना था। किसको रोकना था, यहां पर देखो मैं आपको बता देता हूं कौन से कंट्री थे वो। यहां पर देखो कॉम कॉन, इसे बोलते हैं कम कॉन भी बोलते हैं, ठीक है, कम कॉन। तो कम कॉन कंट्री कैसे कंट्री होते हैं, यानी यूएसएसआर में जो भी कंट्री सम्मिलित थे इसके डिसइंटीग्रेशन या रशिया बनने से पहले, उन सारे कंट्रीज को इस तरीके के हथियार ना जाने पाए जिससे ये स्ट्रांग हो और आगे से युद्ध की संभावना बने। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया था, इस चीज को रोकने के लिए पहले कोकोम आया था, और कोकोम के बाद फिर क्या आया, कोकोम 1994 में क्या एक्सपायर हो जाता है, और इसके बाद आता है हमारा वॉशिनर अरेंजमेंट, ठीक है। तो याद रखना कि वॉशिनर अरेंजमेंट पहले क्या, कोकोम, कोकोम किसके लिए बना था, कम कौन, याद रखो कम कौन के लिए। जब कोकोम खत्म हो गया 1994 में, तो क्या आ गया, यहां पर याद रखना कि वॉशिनर अरेंजमेंट आया, ठीक है, 96 में। चलो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड देखा इसका, अब आता है तीसरा हमारा जो टॉपिक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसको समझेंगे हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ये मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय है। देखो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइन, भाई मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करना, प्रोलीफरेशन पे कंट्रोल करना, मतलब प्रसार पे कंट्रोल करना, किस चीज का कंट्रोल करना यार, टेक्नोलॉजी का करना, ठीक है, या इस तरीके के वेपन्स होते हैं उन पर करना, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। अब एंड क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, जो कब हुआ, 1985 में हुआ। अब देखना कि ये कहां से आई, इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो यहां पर देख रहे हो आप कि जब इराक ने केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया, किस पे किया, ईरान पे किया, ठीक है, तो आगे इस तरीके के सामग्री को या इस तरीके के वेपन्स को, ठीक है, सिविल सिविलियंस पे यूज ना किया जाए, यानी जो भी वहां के नागरिक लोग थे उन पर यूज ना किया जाए, तो इसके लिए ये ग्रुप बना, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो आपसे पूछे कि ये किसका आफ्टरमाथ है, तो आप बता सकते हो भाई ये आफ्टरमाथ है जब इराक ने ईरान पर अटैक किया था बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज करते हुए। तो यहां पर देखो यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है, इराक ने कब, 1984 में, और इससे क्या कि आज भी मैं आपको बता दूं कि इराक में लंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम ये परसिस्ट करती है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि इस तरीके का यूज नागरिकों पर ना हो, इसलिए ऐसे एक ग्रुप बनाया गया है ताकि इस तरीके के हथियारों को गलत देशों के हाथों में, या मैं बोलूं कि आतंकवादी समूहों के हाथों में जाने से रोका जा सके। अब यहां पर आता है कि हाउ अ कंट्री कैन बी अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस कंट्री एक कंट्री इसका मेंबर कैसे बन सकती है। तो इनमें ना ये दो संधि जो है इनको याद रखना, 1975 1990 से, इनके अंदर आपको इंटरनल नहीं पढ़ना है डेप्थ में जाके, लेकिन इसके मेंबर होना चाहिए तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप, मैं आपको बता दूं कि तभी आप मेंबर बन पाओगे किसके, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के, ठीक है, जैसे कि वॉशिनर अरेंजमेंट था, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो यहां पर रखना भारत अभी रिसेंटली इसका मेंबर बनाया, तो कौन से नंबर का है वो, 43 नंबर्स का। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, चाहे मैंने अभी आपको एमटीसीआर पढ़ाया हो, चाहे मैंने आपको वॉशिनर अरेंजमेंट पढ़ाया हो, या फिर मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप पढ़ाया हो, सभी में मेंबर बनने के लिए इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो इनका क्या होना चाहिए, इनका कंसेंसस होना चाहिए, मतलब सभी की सर्वसम्मति होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सर्वसम्मति होनी चाहिए। अगर एक भी मेंबर मना कर देता है कि हम इंडिया को इसका मेंबर नहीं बनने देंगे, तो फिर इंडिया मेंबर बन पाएगा, इंडिया मेंबर नहीं बन पाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय पटल पर इतने सारे देशों का कॉन्फिडेंस होना इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है, किसके लिए, कि इंडिया का इंट्रेंस हो सकता है किसमें, एनएसजी में। तो गाइज यहां पर याद रखना ये इतना जो मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में यही से पूछ जाता है कि उद्देश्य क्या है, कितना मेंबर्स है,
ठीक है, इसका एक्चुअल मोटिव क्या है, ये कब आया, तो ये सब चीजें आती हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पढ़ने को तो ढेर सारा रहता है, लेकिन जो एग्जाम में नहीं आता है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनएसजी की। तो अभी तक मैंने जो बताया तीनों के बारे में, चाहे वो एनएसजी हो, ठीक है, सॉरी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो, चाहे वो वॉशनर अरेंजमेंट हो, या एमटीसीआर हो, उन सब में ध्यान रखो चाइना एंड पाकिस्तान ये मेंबर नहीं है, प्लीज। ठीक है, लेकिन एनएसजी में चाइना मेंबर है। ठीक है, चलो एनएसजी की शुरुआत कैसे हुई, कहां से क्या ये कॉन्सेप्ट आई, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में यूएसए ने जापान पर हमला किया था। ठीक है, एटम बॉम्ब का हमला किया था, कहां पर, नागासाकी, ठीक है, और हिरोशिमा। इसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड फेज आता है एनपीटी का। ठीक है, इस तरीके का हमला हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो कहा गया कि आगे से इस तरीके का हमला ना किया जाए अन्य देशों पर। तो इसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई है जो कि क्या थी, एनपीटी। एनपीटी, एनपीटी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन, सॉरी, नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी। ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी। तो इसमें क्या था, आपको बता दूं कि आज जो यूएनएससी के मेंबर हैं, अच्छे जानते हो आप लोग, यूके, यूएसए, रसिया, चाइना एंड फ्रांस, तो इनके द्वारा ये गठित किया गया और बोला गया कि ये पांच जो देश हैं यूएनएससी के मेंबर हैं, यही न्यूक्लियर यूज कर सकते हैं, इनका प्रोलिफ्रेशन कर सकते हैं, बाकी को इजाजत नहीं होगी, आप न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन करो, लेकिन किसके लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए। अगर आप इस तरीके का कोई गलत यूज करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। फिर क्या हुआ कि इंडिया इसका मेंबर था, तो बोले कि इंडिया इसका मेंबर नहीं बना। फिर आता है हमारा पोखरण। ठीक है, आपको पता है पोखरण को, ठीक है, पोखरण के बारे में स्माइलिंग बुद्धा भी कहा जाता है इसको, ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, स्माइलिंग बुद्धा। तो कभी आपसे पूछे कि पोखरण में भारत ने अपना जो परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, उसको किस नाम जानते हैं, तो हमारा आंसर होगा स्माइलिंग बुद्धा। कहां पर, पोखरण में। अब क्या हुआ, 1974 में एक जो पहले भारत का एनपीटी का मेंबर भी था, और 1974 में इसने क्या किया कि इसका मेंबर बन गया, सॉरी 1974 में परमाणु परीक्षण कर दिया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि 1975 में एनएसजी का गठन किया गया कि हमें इस तरीके से रोकना होगा देशों को, अब हम भारत को अगर यूरेनियम ही ना दिया जाए तो भारत कहां से परीक्षण करेगा। ठीक है, तो क्या करना होगा कि हमें इस तरीके से कोई ग्रुप बनाना होगा जो कि एक्सपोर्ट, जो कि क्या, टेक्नोलॉजी, इन सब पे क्या करे, इन सब पे कंट्रोल करे। तो ऐसा ही ग्रुप बना जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, कब बना, 1975। तो अभी तक यहां तक की कहानी मैंने आपको पूरी बताई, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहां पर एनएसजी, एनएसजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या, फाउंडेड इन 1975 इन ट्रीटी साइन। ठीक है, तो 1975 में ट्रीटी साइन हुआ, चलो समझ में आ गया। 1974 में भारत ने क्या किया था, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन ऑपरेट किया था। आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलिफ्रेशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, नाभिकीय प्रसार को रोकना, नाभिकीय प्रसार को रोकना, प्रिवेंट मतलब क्या, रोकना। ठीक है, तो कितने मेंबर्स हैं इसमें, 48 मेंबर्स है। क्या इंडिया इसका पार्ट है, नहीं जी, इंडिया बस इसी का तो पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, तो बोलेंगे कितना, 48 मेंबर्स एंड इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एक्सेस टू इंटरनेशनल एरेना ऑफ न्यूक्लियर कॉमर्स, अगर इंडिया इसका मेंबर हो जाता है तो जो भी हमारा न्यूक्लियर व्यापार होता है, ट्रेड होता है, इंडिया उसमें प्रॉफिट ले सकता है। यानी इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है, इंडिया इंपोर्ट कर सकता है। लेकिन आपको बता दूं क्या, उद्देश्य ही होता है कि अगर आप एनएसजी के मेंबर हैं तो ध्यान रखो आप ऐसे देशों को आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे कि जिनका उद्देश्य ठीक ना हो। ठीक है, यानी हम मेंबर कंट्रीज जो होंगे एनएसजी के, वो क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन किस यूज के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए, ना कि प्रोलिफ्रेशन के लिए कि हम उसका परमाणु बम के रूप में यूज करें, तो ऐसा नहीं, किसके लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए। तो एक्सेस टू इंटरनेशनल एरेना ऑफ न्यूक्लियर कॉमर्स, ठीक है,
इंटरनेशनल मार्केट फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सोफिस्टिकेटेड फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब क्या होगा कि अगर हमने इसका मेंबर सदस्यता ग्रहण कर लेती है इंडिया, तो इसके बाद इंडिया को न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन के लिए, किसके न्यूक्लियर पावर के प्रोडक्शन के लिए अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि हम बाहर जाके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इन सब चीजों में। और इंडिया के पास अगर यूरेनियम नहीं है तो इंडिया को यूरेनियम भी मिल सकता है। तो ध्यान रखो, इतने सारे बेनिफिट्स भारत के लिए थे, लेकिन भारत को अभी तक इसकी मेंबरशिप नहीं मिली है। अब अपोजिशन क्या है इंडिया का, तो इसको देख लेते हैं भाई कि इंडिया के समक्ष कोई अपोजिशन है। हाँ जी, कुछ अपोजिशन क्या है, अपोज बाई सेवरल कंट्रीज। अभी आपको पता है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि NS16 में, NSG में भारत को सदस्यता नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि चाइना हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इन लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एक भी मेंबर विरोध करता है तो इसका मतलब क्या है कि भारत को इसकी मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। ठीक है, नॉन साइनेटरी ऑफ CTBT एंड NPT। NPT मैंने बताया था आपको, 1968 में बताया था ना, ठीक है, उसका 1975। ठीक है, CTBT, तो CTBT क्या है, टेस्ट, जो भी टेस्ट होता है, ठीक है, टेस्ट बैन ट्रीटी। तो कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी मतलब इस तरीके कोई परमाणु परीक्षण, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो आपका वाटर बॉडी में हो, चाहे आपका लैंड पर हो, आप इस तरीके कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। किसके थ्रू? CTBT के थ्रू और NPT के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान रखना, NPT क्या होता है, प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे और इसमें टेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान रखना इन दोनों चीजों को। अब क्या है, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है ये कि CTBT और NPT की मेंबरशिप होनी चाहिए। लेकिन और देश कह रहे हैं कि इन्होंने देखो CTBT, NPT, इन सब का ना मेंबरशिप भी नहीं लिया है, और इनको कैसे NSG का मेंबरशिप दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब चाइना का आर्ग्यूमेंट क्या है, चाइना क्या सोच रहा है, चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान इसको दे रहे हो तो आप पाकिस्तान को भी दो। समझ रहे ना, इंडिया को अगर आप मेंबरशिप दोगे तो आप पाकिस्तान को मेंबर। तो साथ में चाइना क्या चाहता है, चाइना चाहता है कि भारत कहां तक सीमित रहे, साउथ इंडिया तक सीमित रहे। अगर भारत को इस तरीके का मेंबरशिप मिल जाती है तो भारत को यूरेनियम मिलेगा, भारत एक्सपोर्ट भी कर सकता है, भारत की इकोनॉमी डेवलप होगी। ठीक है, और साथ में भारत का जो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, वो भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर इतने सारी बेनिफिट्स हैं, यानी इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप स्टेटस बनाएगा। तो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक बड़ी शक्ति ना बनने से रोक रहा है कौन, चाइना। तो यहां पर याद रखना चाइना क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, आई होप कि समझ में तो आया होगा आप लोग को। ठीक है, अब इंडिया क्या दावेदारी है कि इंडिया मेंबर बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं, पहली दावेदारी तो यही कि इंडिया ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है। ठीक है, चलो एक चीज मैं आपको बता दिया कि इंडिया ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि वो MTCR, वो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप या वासनर अरेंजमेंट का मेंबर बन गया। दूसरा, इंडिया ने क्या, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है। नो फर्स्ट यूज यानी अगर हमारे पहले, सबसे पहले हम परमाणु बम नहीं गिराए किसी के ऊपर, तो ये भी इंडिया ने। तीसरा क्या कि इंडिया अब कोई परीक्षण नहीं कर रहा है, कोई टेस्ट नहीं कर रहा है परमाणु परीक्षण। चलो भाई, चौथी चीज क्या कि इंडिया प्रोलिफ्रेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, कि प्रोलिफरेशन कर रहा है वो एटम बम के लिए, तो इस तरीके से नहीं कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, न्यूक्लियर पावर के लिए कर रहा है। तो इतनी सारी चीजें इतनी किसके, इंडिया के फेवर में है कि इंडिया को क्या मेंबरशिप बनाई जाए। ताकि मैं आपको बता दूं, MTCR का अगर मेंबर बन गया है भारत, ठीक है, वॉशनर ग्रुप का बन गया है, और सॉरी वॉशनर अरेंजमेंट का, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का बन गया है, तो अब चांसेस बनते हैं कि इंडिया इसका भी मेंबर बन जाए। तो गाइज, यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बताई किस तरीके से आपको समझना है चारों ग्रुप को। हमने चारों ग्रुप को देखा, ठीक है, और उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताई किस तरीके क्वेश्चन ही बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आपको लाइक करना है, एंड प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, और मैं इन फ्यूचर जो भी हॉट इशूज होंगे उनसे रिलेटेड टॉपिक आपको जरूर दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।